ये सनी 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 मुझे नहीं खेलू नहीं खेलूंगा तो मुझे टीम से निकाल देंगे वो और नौकरी। सनी कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा, तू मेरे साथ रह। मेरे प्रीत को फोन कर दे, मेरे प्रीत को फोन कर दे एक बार। मेरा नाम हरप्रीत कौर, सेंटर फॉरवर्ड खेलती थी इंडिया के लिए, पर ये कहानी मेरी नहीं है, संदीप सिंह की है। विक्रमप्रा, मैंने सुना है कि कोच सर के घर में ना टीवी नहीं है, तो हमारे को फालतू पनिशमेंट देकर खुद का टाइम पास करते हैं। चुप कर संदीप, अगर कोच साहब ने सुन लिया ना तो मार पड़नी है हमारे। अगली बार गर्ल्स टीम की तरफ किसी ने देखा भी ना तो राखियों पर नहीं रुकना, मैंने हाथ काट देने। तीन मिनट, चंगन राम से छह समोसे लेके आ, चल भाग। चंगत राम के, मंगत राम के, किसके चाहिए? कहाँ से लाए? मंगत राम। ओ साहब, ओ आज किस अनोखी बात पे बाजियां लगवा रहे हो? चंगत राम दे समोसे मंगाए थे। आप भी कमाल करते हैं, वो क्या फर्क पड़ता है, एक ही दुकान को दो खिड़कियां लगा रखी हैं, वो अंदर से रसोई तो दोनों की सेम है और बड़े कमाल की रसोई है। कोच साहब, इस समोसे के चक्कर में पीठ छिलवा दी बच्चे की आपने? हाँ तो मुझे लग नहीं रहा इसका। अरे वो भाग गया, अब नहीं आएगा ये। शाबाद में हॉकी खेलनी है ना तो यहीं आना पड़ेगा साले को, और सजा पूरी करने के लिए है ना पाई इसका। विक्रम, हॉकी क्यों छोड़नी है? तेरे बड़े भाई ने ले तो ली तेरी पनिशमेंट। कुछ भी करूंगा माँ, लेकिन उस कतार के पास वापस नहीं जाऊंगा। सोन दी कोशिश कर, चल। मेरा वाल्या साया रखी चरना देखो, मेरा वाल्या साया। चल वो अभी बच्चा है, हॉकी ना सही कुछ और खेल लेगा। तू इतना आगे की सोच के ना खामखा टेंशन ले रहा। क्या करूं बापे, बाढ़ में घर कोने के बाद है ना थोड़ा डर सा गया हूं। अगर आप हम सबको अपने घर नहीं लाते तो हम तो फिर से वो अपने घर वाली बात की ना, तो बच्चों को और दलजीत को अपने पास रख लूंगा और तुझे उठा के बाहर फेंक दूंगा। किसको बाहर फेंकने की बात हो रही है वीर जी? इसे और किसे, 7 साल का था, पाल के इतना बड़ा किया, अब मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है। अब बैठा ठीक है बापे, पर आप गर्म मत हो, चाय ठंडी हो रही है। मेरे बपर शेर बच्चे, ये सब अपना खेत है, जो मर्जी कर।
और चिड़ियों को खेत में घुसने नहीं देना। दोपहर का खाना हम साथ में खाएंगे। ट्रैक्टर चलाना आता तुझे? अभी नहीं। नहीं नहीं, मैं सिखा दूंगा। धीरे चला यार, तुझे खिलाने के चक्कर में कोई सपोर्ट नहीं है मुझे यहाँ पे। अरे गुज्जू भैया, आपके पीछे बैठूंगा ना तो एक्सीडेंट में मर जाऊंगा। हाँ। और नहीं खाऊंगा तो भूख से मर जाऊंगा। इसलिए रोना बंद कीजिए, मजा नहीं आ रहा। थोड़ा चार पे फोकस करें। अच्छा, ये ले, ठूस ले। कुछ भी कहो कोच साहब, अपना विक्रम तगड़ा प्लेयर हो गया है। आ, बनाया किसने? ओ कोच साहब, ये बच्चों को कितनी देर लटकाना? और 4 घंटे से पहले कोई उतरा ना? आग की दौड़ देनी कल मैंने। सुन लिया वो, 4 घंटे से पहले नहीं। ओ कोच साहब, मुझे भी ले चलो और समोसे तो खत्म कर लें। चलो मैं निकलता हूँ। और नहीं जी गुरु जी। पेश है। वो अचार कहाँ है? या तो थोड़ा अचार छोड़ देता या फिर पराठा भी खत्म कर लेता। अब बता किसके साथ खाऊं इस पराठे को? मेरे प्यार के साथ। और ज्यादा चार अच्छा नहीं होता आकी के लिए। ओके कर ले बेटा, ऐश कर ले, तेरा भी टाइम आएगा। आ गया मेरा टाइम निकलने का। और ये ले खा के यार। बस बस, आई एम वेरी बिजी पर्सन। अब कहां जा रहा है बिजी पर्सन? ओके टाटा। ओ मगध राम के समोसे लाए थे ना? लटके रहा बेटा, आकी के लिए बनी मिली। गुड्डू साहब, बाइक खड़ी करने के लिए दी थी, लटाने के लिए नहीं। और चला बाइक 100 की स्पीड पे, एक्सेलरेटर का वायर टूट गया है अब। बाबा आदम की जवानी की है, हैं? और क्या होगा, हट, मैं देखता हूँ। तू ही सही कर ले, बड़ा आया डॉक्टर। तेरी पैर। लग गया इंजेक्शन डॉक्टर साहब। ओए बॉल फेंक। मुंह बंद कर ले, और आल टपकेगी ना तो जमीन से पौधा उग जाना। भण जी आगे पीछे देख के मार लिया करो। अबे आगे लग जाती तो और मुश्किल होती साले। तू विक्रम का प्राय है ना? हाँ जी विक्रम का ही हूँ जी, अपना मत बना लेना। ये प्लेयर एरिया है, यहाँ पे मैकेनिक अलाउड नहीं है। तो मैं प्लेयर ही हूँ। अपने आपको प्लेयर बोल के कम से कम अपने भाई की बेइज्जती तो मत कर। हाँ उसकी तरह नहीं लेकिन हॉकी खेल लेता हूँ जी। अच्छा चला जा फिर, देखते हैं कितना बड़ा प्लेयर है तू। नहीं नहीं आप थक गए होगे, अभी खेलोगे तो खामोखा बेइज्जती हो जानी है। ए, कोई ना, मेरी बेइज्जती को कुछ दिन के तो अपना एंटरटेनमेंट बना लियो। चल
आजा। वन ऑन वन खेलते हैं, जिसने गोल मारा बॉल उसके। एक काम कर, तू ही स्टार्ट कर। मैंने स्टार्ट किया तो बॉल के आसपास भी नहीं आ पाएगा। लड़ानी है ना तो गेम से लड़ा, लड़कियों से नहीं। वो मुझे हॉकी छोड़े हुए टाइम हो गया जी, इसलिए गोल नहीं हुआ। लाइफ में गोल होगा ना तो यहाँ भी हो जाएगा, वरना ऐसे ही धूल चाटेगा। मैडम जी हरप्रीत, नाइस टू मीट यू जी। संदीप, वो आपसे थोड़ा अलग में बात हो सकती है? क्यों नहीं, मतलब थोड़ा दूर और चलेगा जी, बस कुछ जी को ना पता चले। वो ना, मैं अपने दोस्त के सामने हीरो बन रहा था जी, मुझे पता था आप हॉकी में मेरी, चलो एनी हाउ मिट्टी पाओ। बस लक ट्राई कर रहा था जी, फेल हो गया। ठीक ठाक हॉकी खेल लेता है, थोड़ी प्रैक्टिस कर, अगली बार एक गोल तो मार ही लेगा। आप खेलोगे जी अगली बार? है जी, तू आप पीछे है। अगले 6 महीनों में जिंदगी बदलने वाली थी हम दोनों की, मेरी और शायद उसकी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे वो 6 महीने। ओए आराम ना यार, है हॉकी की स्टिक नहीं है ये। उफ, अच्छा पैर सीधा करो। एक तो यार ये मोबाइल और इंटरनेट ने येलो प्रिंटर्स के धंधे का ना भट्टा बैठा दिया, ऊपर से ये संदीप। आप रोटी खाइए, बाकी वाहेगुरु पे छोड़ दो। पुत्र, एक बार इंडिया सिलेक्ट हो जा, फिर ना अपने इस धंधे को ठुड्डा मार के कोई नई जगह भी ले लेंगे। हैं भाई, कौन सी जगह? और नहीं पापा जी, वो क्या ना, मैं कह रहा था, क्या कह रहा था बताओ ना, क्या कह रहा था मैं? जी ये कह रहे थे कि इस बार विक्रम की इंडिया टीम में जगह होनी चाहिए। ये कह रहा था? हाँ हाँ, होगी, जरूर होगी, कोई शक? मैंने कोई शक नहीं किया। तू रहने दे, मैं बात करती हूँ भाई साहब से। अरे कल बर्थडे है तेरा, बर्थडे वाले दिन तो छुट्टी दे ही सकते हैं ना। माँ, मुझे बचपन से हॉकी प्लेयर ही तो बनना था, इंडिया खेलना है, और क्या चाहिए मुझे? फिर क्या फर्क पड़ता है, हर बर्थडे की तरह इस बर्थडे पे भी हॉकी खेलने चली जाऊंगी। चुप कर तू, मुझे पूछने दे बस। अबे बन गई रोटी? हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, बस आ गई, आ गई। स्वाद आलू। भाई साहब, मैं क्या सोच रही थी कि कल ना प्रीतो का बर्थडे है, तो प्रैक्टिस से एक दिन छुट्टी मिल जाती ना, तो मैं। सुखविंदर भाई साहब के जाने के बाद अजिंत्य की नौकरी मैंने लंदन में लगवाई ना जी, प्रीतो को भी इंडिया खिलवाऊंगा। कोई छुट्टी छुट्टी चाहिए दूसरा कुछ ढूंढ लो आप फिर। हेलो, तेरे घर के सामने हूँ, 5 मिनट के लिए मिल ले। वीरे, वो मेरा इंडिया ट्रायल अगले हफ्ते है ना। कौन है, अजीत है? कमाल है यार, मैंने उसे बताया तेरा ट्रायल है, फिर क्यों पूछ रहा है? नहीं नहीं नहीं, उसे फोन मत देना। जी, उसकी 2 मिनट में फ्लाइट है। 2 मिनट में पक्का? फिर नहीं, सिक्योरिटी चेक को 10 मिनट लगेंगे। ले, अभी तो तू 2 मिनट कह रही थी। हेलो अजीत,
बस देखना था तुझे। क्यों? रोज ग्राउंड में नहीं दिखती मैं? वहां बाल खुले नहीं ना होते तेरे। देख लिया वो गुज्जी नहीं मेरा दोस्त, वो बोल रहा था कि मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ। तो अब वो मुझे सुनाना था ना तुझे। अच्छा सुना है? सुना हाँ। वो मेरी प्रैक्टिस नहीं अभी, हो गए 5 मिनट और अगली बार प्रैक्टिस करके आना और किसी और के लिए मत गाना। ਬੁੱਧੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਾਖੀ ਬੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋੜਨੇ ਮੈਨੇ। ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਥਾ ਹੈ ਸਾਲੇ ਭਗੋੜੇ, ਤੂੰ ਲੜਕੀ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੇ ਹਾਕੀ ਖੇਲਣੇ ਆਇਆ ਥਾ ਨਾ, ਜੂਤੀਆਂ ਕਿਸਨੇ ਪੜਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਖੇਲਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਤੁਝੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਖੇਲ ਲੋ ਕੋਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕੇ ਕਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਾਕੀ ਮੇ। ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ पाशा देख रहे हैं सारे आप, किसी ने फोन किया ना तो जुबान काट देनी है मैंने। आपकी कह लो क्या जरूरत है उसे छोड़ने जाने की? अभी मैं नहीं गया ना तो कोच साहब ने एंट्री नहीं देनी इसे। माफी मांगने आया हूं। मांग ली? अब निकल। अब सुन तो लो मेरी बात। बोल। यहां क्यों गालियां खाना चाहता है? आप तो फिर भी बात कर रहे हो, मैं होता तो हाथ पैर तोड़ देता। लेकिन अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? तेरी जगह होता ना तो अपने भाई से कुछ सीखता। विक्रमजीत इंडिया खेलने वाला है और तेरी जगह यूनिवर्सिटी की टीम में भी पक्की नहीं है। क्या करूं मैं तेरे साथ? पूरी मेहनत कर रहा हूं हॉकी पे। 12 साल फील्ड पर करतार सर की हॉकियां खाई हैं, बचपन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला और नहीं हुआ कुछ, और तू इस उम्र में शुरू करके कुछ कर लेगा हॉकी में? अगर कर लिया तो? जब कर लेगा और नौकरी लगेगी तब आ जाना। लेट हो रही है हरप्रीत प्रैक्टिस के लिए। चल प्रीतो। जाके ट्रायल तो नहीं है, आगे भी होगा, देखता हूँ कैसे नहीं होता सिलेक्शन। पर हुआ क्या सिलेक्शन में? जो भी हुआ माँ, नहीं हुआ ना सिलेक्ट। अब संदीप के बारे में कोई बताएगा मुझे? और वो सनी है ना, वो हॉकी के बहाने किसी लड़की के साथ। वही हॉकी के बहाने कुछ नहीं। अब तेरी बातें बताऊं? अब मेरी कहानी बीच में कहां से आ गई? संदीप ठीक तो है लेकिन? हाँ इसका है ना हमेशा से यही है, संदीप को कुछ हो गया तो अपनी सारी मुश्किलें छोड़ छाड़ के लग जाता है उसके पीछे। गाड़ी रोक। संदीप खेत में है, जाओ उसके पास। मेरे यहाँ देख, इधर देख। सुना मैंने आपके इंडिया रिजेक्शन का, ठीक हो आप?
प्यार करता है। आप देखना आपका अगली बार सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। मैं जाके बात करूं? बात कर ली मैंने, हॉकी में कुछ करूंगा तो भी नौकरी लगेगी, फिर उसके बाद ही मुंह दिखाऊंगा जाके नौकरी। और यहाँ पापा जी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बेटा इंडिया सेलेक्ट हो जाएगा तो एक नया घर लेंगे और फिर वो रिटायर कर जाएंगे। टाइम निकल गया सनी, अब नहीं होना इंडिया सेलेक्ट। कल तक कितना सही चल रहा था, नहीं वैसे लगता है जैसे ठीक ही नहीं होना कुछ। और बॉल है तेरे पास? हाँ, क्यों? कहाँ है? हो रही। क्या हो गया? खड़े रहे तू वहीं। मार फिर से। और चिड़े तोड़ गए? वो चिड़ों की चिंता ना कर, तू बॉल मार। आजा, आजा, आजा। ना 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 ना। जैसे पहले मारा था ठीक वैसे ही मार। वापस चल। वापस आ, ले और ये दोनों मार। क्या हो गया भाई? मार एक और। क्या बोल के आया था? हॉकी में कुछ कर लेगा तभी शक्ल दिखाएगा ना। हाँ तो मुंह धो ले, तेरा शक्ल दिखाने का टाइम जल्द आ रहा है। कैसे? तेरी ड्रैग फ्लिक से। ड्रैग फ्लिक दिखा। बोल ला यार, जब तू यहां से आएगा ना, हाँ यहां से तू करेगा ड्राइव, ठीक है? और यहीं से जो बॉल मारते हैं ना, फ्लिक, ड्रैग फ्लिक। ये ड्रैग फ्लिक? और जब से ताऊ जी ने बोला जाके खेतों में चिड़े उड़ाओ, ऐसे तो उड़ा रहा हूं मैं चिड़े। हॉकी का सबसे मुश्किल शॉट है ये, बरसों लग जाते हैं अच्छे प्लेयर को ये शॉट सीखने में। और अगर तूने ये शॉट ग्राउंड पे मार दिया ना, तो पापा जी का एक बेटा अभी भी इंडिया खेल सकता है। पर इंडिया को मेरा पता कैसे चलेगा? पटियाले से। चले ये फड़ो हॉकी सरदार साहब। मैं ड्रैग फ्लिक मारता हूं? जी हाँ। बेटा सुखी कवर छोड़, बांध देख, बांध देख। सर कोई मिलने को आया? मैं देख नहीं रहा, प्रैक्टिस चल रही है यार। अरे सॉरी सर, डिस्टर्ब किया आपको। अरे सर आइए 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 सर। अब सर हॉकी फेडरेशन है तो हम है, वरना पटना के किसी स्कूल में बच्चों को पीटी करा रहे होते। अरे को साहब, आप भी बड़ा अंडरएस्टिमेट करते हैं अपने आप को। साहब आप लोगों की मेहरबानी है सर। जी नहीं नहीं कुछ नहीं, बताइए। हैरी सर है। वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कल शाम को स्पोर्ट्स एंड इट्स इंपैक्ट ऑन यंग माइंड पे एक लेक्चर देना है आपको। आखिरी समय में कौन भाग गया सर जो हमें फंसा रहे हैं आप? अरे मैं तो चेयरमैन साहब को पहले ही बोल रहा था कि आपको पता चल ही जाएगा। कवर कर, कवर कर।
तो मैं पक्का समझू सर? सर अब आपको तो पता ही है सर, शाम को फैमिली टाइम होता है मेरा। फैमिली टाइम, यू नो वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। सर चेयरमैन साहब का ऑर्डर है। बता देना चेयरमैन साहब को, पहुंच जाएंगे। जैसे ठीक समझे कोच साहब। हाँ जी कोच साहब, सब ठीक। बस तू कहां से आ गया? कोच साहब ये मेरा छोटा भाई संदीप है। तो इसे भी लेक्चर चाहिए क्या? नहीं नहीं, इसकी ड्रैग फ्लिक चेक कर लो एक बार, बहुत जोरदार है। कौन सा स्टेट? यूनिवर्सिटी सर। बैक क्यों टाइम खराब कर रहा है यार? वेरी बैड टाइम सर। सर एक बार ट्राई तो कर लो जी। मतलब देश के सारी यूनिवर्सिटी प्लेयर्स को ट्राई करूं, फिर कॉलेज में जाके सारा लेक्चर दूं, तू भेजेगा टीम को ओलंपिक? सर अगर मैं ठीक लगा तो आपको एक प्लेयर मिल जाएगा जी, और अगर नहीं लगा तो वो फेडरेशन वाली पूरी भड़ास मुझ पे निकाल के भगा देना। बैंड चुप बैड लक। ओ मनप्रीत बेटा गोल पोस्ट पे आ। किसी को गालियां दे के भगाना, आजा। क्या हो गया, रुक क्यों गया? इंडिया का गोलकीपर मंगाऊं तेरे लिए? सर इंडिया खेलना है तो इंडिया के गोलकीपर के साथ ही ट्राई कर लेते हैं। सनी हमारे पटना में एक कहावत है बेटा, दौड़ा दौड़ा के ठोकना। लेकिन तू चिंता मत कर, तुझे मैं गालियां दे के ही छोड़ दूंगा। और तू सीनियर प्लेयर हो के जो टाइम वेस्ट कर रहा ना मेरा, उसके लिए तुझे दौड़ाऊंगा भी और ठोकूंगा भी। ओ कमल देव आते आए बेटा। शाबाश शाबाश। तू बेटा रेस्ट कर, छोटा पड़ रहा है इसके लिए। अब ठीक है या धनराज पिल्लई को बुलाऊं बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए? वेरी गुड आइडिया, मैं कॉल करता है। ऐसा ड्रैग फ्लिक मारता है तो टफ में क्या करेगा? नेट फाड़ देगा बेटा। सिर्फ जोर से मारने से नहीं चलेगा, सही टेक्निक से गोल मारेगा ना तो टीम से तुझे कोई निकाल नहीं सकता। सर जोर मैं लगा दूंगा जी, आप ये सही टेक्निक वाला गोल सिखा दो जी। सिखा भी दिया तो क्या, 70 मिनट के मैच में 20 ड्रैग भी मारेगा तो 5 मिनट ही खेलेगा, बाकी टाइम क्या करूंगा? गोद में बिठाऊं? डिफेंडर बनना पड़ेगा। हाँ तो डिफेंडर बना दो जी। थैंक यू, अभी सर का फैमिली टाइम हो गया, डिसमिस। सुबह 5 बजे आ जाना, 1 मिनट भी लेट हुआ तो बेटा दौड़ाऊंगा भी और ठोकूंगा भी। यस। कर ले जो मैं नहीं कर पाया। ट्रेन की टिकट कटा ली तूने? क्या नहीं कटाई तो टेंशन मत ले, फेडरेशन तुझे लगेज कंपार्टमेंट में ठूस देगा। पता है फेडरेशन का रूल, रात को खेलना मना है। तो फिर
गोल नहीं ठोकूंगा तो टीम में सिलेक्ट कैसे होऊंगा? और दिन में तो सिर्फ रोक ही रहा हूं, तो सोचा रात को ठोकता हूं। तो रिस्क लेके या तो टीम में सिलेक्ट हो जाऊंगा या बिना रिस्क लिए आपके लगेज कंपार्टमेंट में घुस जाऊंगा। पता नहीं कहां से आ जाता। ऐसे भागते रहने से कुछ नहीं होगा। मतलब फेडरेशन एक भी बॉल का हिसाब नहीं मांगेगी। आप मैं ही फेडरेशन हूं। पेरी पेना चेयरमैन साहब। कैरी ऑन। थैंक यू सर। तो लो जी शुरू हो चुका है मेरठ वर्सेस पटियाला का ये मैच। पार्टनर पब्लिक के पास में गन है। हरमीत को धूल चटाते हुए सीधे पास कर दिया है सेंटर फॉरवर्ड को और ये मेरठ का पहला गोल। पटियाला के हट्टे कट्टे हरमीत बुरी तरह चोटिल हो चुके हैं। कोच सर, सर मुझे भेज दो लोगो। और अब खैर हरमीत को रिप्लेस कर रहे हैं नंबर 4 की जर्सी में संदीप सिंह। पाजी मेरे डये। आते ही प्रकाश ने संदीप पे गेंद मार दिया और संदीप सिंह की अपील। संदीप मेरा की पटियाला पे दबाव बनाने की कोशिश। लेकिन नदीम जी पटियाला भी कम नहीं। जब छोड़ रहे कहीं संदीप को येलो कार्ड ना मिल जाए। और रेफरी तो ऐसे लग रहे हैं मोबाइल के जमाने में लैंडलाइन। तमंचा कच्छा में रख लो बुआ, बिहारी हैं हम, थूक के माथा में छेद कर देंगे। मेरा थूक नहीं रहे, उसका थूक रहे। पटियाला 0 मेरा 1। संदीप का बेहतरीन पास सेंटर फॉरवर्ड को और नंबर 19 बॉल को नचाते हुए डी की तरफ और हर कर दिया डी के अंदर। क्या पे बाल मार के शॉर्ट कॉर्नर पटियाला के लिए। नदीम जी पटियाला के लिए पहला मौका गोल स्कोर करने का। अरे सर आप जूनियर इंडिया के सिलेक्शन टूर पर हूँ। और शॉर्ट कॉर्नर खेल रहेंगे संदीप सिंह। वही है ना जो रात को प्रैक्टिस करता है। जी सर। संदीप सिंह शॉर्ट कॉर्नर खेलने को तैयार। विजय का ये पास पटियाला को सुनहरा मौका। संदीप सिंह ने फ्लिक किया और ये गोल। एंड स्कोर 1-0 नदीम जी। खास पर ऐसा ड्रैग फ्लिक लगाता है तो टर्फ पर तो नेट फाड़ गया। सर सॉरी सर। डिफेंस भी कमाल का है। लो नदीम जी एक और गोल पटियाला का। तो रिकमेंड करें थोड़ा पगलेट है सर, 15 मिनट में डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। लेकिन 15 मिनट भी खेला अगर तो सामने वाले की फाड़ देगा सर। तो 70 मिनट खिलाने की तैयारी करो। गेम खत्म होने में 5 मिनट बाकी। पटियाला 6 गोल से आगे। नदीम जी दर्शकों में बढ़ता उत्साह पटियाला के लिए। एक और मौका संदीप सिंह को। क्या वो अपना 8वां गोल मार पाएंगे? दर्शकों में उत्साह। और एक क्या इंडियन प्लेयर हरप्रीत कौर भी आई है यहाँ। कल इन्होंने जर्मनी के साथ बेहतरीन गेम खेली है। आप जरा रिलैक्स करेंगे। मैच खत्म भी हो गया, मेरा ठार भी गई और गोल भी सेफ हो गया। क्या बात है संदीप सिंह,
वो तो तू आ गई तो मेरा ध्यान भटक गया, पहले आ जाती तो मेरा गोल भी देख लेती। पहले आ जाती तो पहले वाले गोल भी मिस हो जाते ना। बात भी सही है, तू मेरा मैच मत देखना कभी। क्या देख रहा है? इंडियन जर्सी सही लग रही तेरे पे। जो तूने किया है ना 6 महीने में, अब तू भी रेडी हो जाए इंडियन जर्सी पहनने के लिए। बस इंडिया सिलेक्शन हो जाए एक बार, फिर शाहबाद की सबसे बड़ी शादी करेंगे और फिर स्विट्जरलैंड में हनीमून। सही है। 3 बच्चे? हाँ बिल्कुल तेरे जैसे, एक मेरे जैसा। गाड़ी कौन सी खरीदेंगे? स्पोर्ट्स, वो जो ऊपर से नहीं खुलती। नया घर? हाँ, और वो घर में वो जो गर्म पानी वाला नहीं होता, वो गोल गोल सा, वो जो जकूजी। हाँ जकूजी। स्विट्जरलैंड जाने वाले ना तुझे शाहबाद में हजारों मिल जाएंगे और देश में करोड़ों, लेकिन सिर्फ 11 पागल होंगे जिनका किसी लड़की को देख के गोल से ध्यान नहीं भटकेगा, क्योंकि वो किसी पूल या गाड़ी के लिए गोल नहीं मार रहे, इंडिया के लिए गोल मार रहे हैं। बड़ी सीरियस टाइप है यार तू, इंडिया के लिए भी मार लूंगा गोल, इंडिया खेलूंगा तो तू मिल जाएगी ना। तूने गाना प्रैक्टिस कर लिया? हाँ, नहीं हॉकी से टाइम ही नहीं मिल रहा। कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर कहता हूँ। कब तक नजरअंदाज करती है इंडियन हॉकी ऐसे स्पेशल प्लेयर को? हेलो माँ, विक्रम है। सनी कैसा है तू? इतने दिन हो गए। माँ टाइम नहीं है, विक्रम वीरा है। अरे विक्रम तो तेरे पापा के साथ है, शर्मा जी के वहां गया है। हेलो हेलो, कैसा लड़का है, फोन ही काट दिया। एक टाइम पे एक फोन अलाउड है यार। हाँ ठीक कह रहा है, सीनियर हूँ तेरा, तमीज से बात कर। हेलो संदीप बोल रहा हूँ जी, विक्रम वीरा है? नहीं वो तो इधर नहीं आया। अच्छा अंकल जी, अंकल जी देखिए डोर पे नॉक हुआ, कोई आया बाहर? हाँ अभी देखता हूँ जी। फोन है आपके लिए, संदीप का। संदीप का? हेलो संदीप साले, यहाँ अपने शादी कार्ड खुद ही बांट रहा हूँ। वीरा मैं इंडिया सेलेक्ट हो गया, आपको सबसे पहले बताना था। पोलैंड जा रहा हूँ मैं टूर के लिए। फाइनल तक पहुंच गया तो फिर शादी पे नहीं आ पाऊंगा। कोई चक्कर नहीं है, फाइनल तक पहुंचना ही मत, जीत के आना है ठीक है। इंडिया तो वैसे बहुत प्लेयर सेलेक्ट हो जाते लेकिन टिकते बहुत कम है। और तू टेंशन मत ले, ये पार्टी वार्टी तेरे आने के बाद ही कर लेंगे। ध्यान रखना अपना, चल। संदीप इंडिया की टीम में सिलेक्ट हो गए। वाह डबल सेलिब्रेशन। शाबाश। क्या इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, सीनियर प्लेयर हूं तेरा। भाजी कबड्डी प्लेयर हूं मैं, सॉरी मैं इंडिया सेलेक्ट हो गया। इंडिया जर्सी अच्छी लग रही है, अच्छा खेलेगा तो कभी नहीं उतरेगी, फाड़ ले। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वो भी पहले ही 15 मिनटों में। और जर्मनी ने फिर पंगा लिया। टेम्परमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक प्लेयर के करियर में, और संदीप सिंह को यह बात ध्यान में रखना चाहिए। ये जोहान और जिनिशियो का बॉडी टैकल एक अच्छे प्लेयर को येलो कार्ड दिलाकर बाहर निकालने का आसान तरीका।
आ गया संदीप सिंह का बेहतरीन गोल। संदीप सिंह गोल तो अच्छे मारते ही हैं, लेकिन फिर किसी झगड़े में उलझ जाते हैं। ऐसे खेलेगा किसी गोल के साथ सता। ये मैच इन दो देशों के बीच में तो है ही, साथ ही तनवीर आलम जो इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट गोल स्कोरर है अब तक, और संदीप सिंह सेकेंड हाईएस्ट के बीच भी होगा। विक्रम, मुझे ऐसा लगता है कि कोच हैरी अगर संदीप सिंह को पिछले कुछ मैचेस में 70 मिनट खेलाते तो आज वो पहले स्थान पर होते और शायद एक और येलो कार्ड के साथ टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकते थे। हरमीत का ये स्लॉपी पास, ओहो, बाल बाल बचे संदीप सिंह। लगता है दूसरी टीमों की तरह पाकिस्तान की भी वही स्ट्रेटेजी, संदीप सिंह को अटैक किया जाए। संदीप बेटा पूरा मैच खेलना है, आराम से खेल, आराम से। संदीप आगे बढ़ते हुए और तनवीर को डॉच किया, तनवीर को डॉच करते हुए आगे बढ़े और अहमद मुश्ताक को भी चकमा दिया। संदीप, ओह माय गॉड, पीछे से सीधा नाक पर अटैक। उस पे लगा, सॉलिड लगा। और इसका खामियाजा तनवीर को भुगतना पड़ेगा। बड़े अफसोस की बात है, इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट गोल स्कोरर और सेकंड हाईएस्ट दोनों इस गेम के बाहर। एक डिफेंडर का इस तरीके से बाहर हो जाना, टीम वीक पड़ सकती है और पाकिस्तान इस मौके का फायदा जरूर उठाएगी। काफी खून निकल चुका है इनका, मुझे यहाँ से संदीप का कमबैक बड़ा मुश्किल लग रहा है। सेंटर फॉरवर्ड पे यूसुफ आगे बढ़ते हुए, पावरफुल स्ट्राइक सीधा गोल में, फैंटास्टिक गोल। और इसी के साथ हाफ टाइम, और बिल्कुल जैसे मैंने कहा था, पाकिस्तान इंडिया के वीक डिफेंस का फायदा उठाते हुए, और यहाँ पर भारत को संदीप सिंह की कमी महसूस होती हुई। तू नहीं खेलेगा कोच सर? 20 साल हो गए मुझे हॉकी देखते हुए, अभी फील्ड में जाएगा तोड़ देंगे तेरे को। पहले मैच में करियर खत्म। सर करियर खत्म हो भी गया तो क्या, मैं कोई लेजेंड तो हूं नहीं, पहला ही टूर्नामेंट है मेरा, कोई और रिप्लेस कर देगा मुझे। और इसी के साथ सेकंड हाफ, लगाना रेडी है ना संदीप? विक्रम ये मैं क्या देख रहा हूं, संदीप सिंह इज बैक। बेस्ट ऑफ लक पाजी, कम ऑन सनी। और ये 20 मिनट खत्म हो चुके हैं सेकंड हाफ। नितिन जो सेंटर फॉरवर्ड है आगे बढ़े, डी तक पहुंच गए, नितिन ने कट किया और भारत के लिए एक बेहतरीन शॉट कॉर्नर जीतते हुए, और ये भारत का पहला शॉट कॉर्नर। और संदीप सिंह के आते ही हॉकी ने जैसे रुख बदल लिया है। और ये बेहतरीन बैकडोर पास सीधा हरमीत को, और हरमीत ने स्लैप शॉट सीधा गोल के अंदर। वाओ व्हाट अ गोल, संदीप सिंह इज बैक, वो भी एक सुरमा की तरह। तो समझा ही नहीं। मैच खत्म होने में सिर्फ 90 सेकंड बाकी। संदीप का बेहतरीन 360 डॉच, संदीप और नितिन के बीच एक बेहतरीन जुगलबंदी, और इसी के साथ भारत को शॉट कॉर्नर। फिर मारेगा पाकिस्तान। पार्टनर अगर संदीप गोल करेगा तो हाईएस्ट गोल स्कोरर हो जाएगा। नहीं वो तो बनेगा ही, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनेगा बेटा। सनी मैच जीतना है। प्लेज द लॉर्ड। और ये
बेहतरीन गोल। भारत की इस सिक्स नेशन सीरीज के फाइनल्स में ऐतिहासिक जीत। स्पीडोमीटर देखिए, यहां संदीप सिंह ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसका रिकॉर्ड 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और ये गोल 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और इस सुपरसोनिक ड्रैस्टिक शॉट के बाद इस नए लड़के को संदीप सिंह नहीं बल्कि फ्लिकर सिंह बुलाना चाहिए। जी हाँ, फ्लिकर सिंह। संदीप सिंह, ये मेरा बेटा है जोरावर, आपको देख के हॉकी खेलना चाहता है। ये एक ऑटोग्राफ मिलेगा आपको? हाँ जी, हाँ जी, ये लो बेटा। थैंक यू, जिंदा रहा, जिंदा रहा। हाँ तू ठीक है ना? वो तेरी नाक को क्या हुआ है? ठीक है, ठीक है। अच्छा सुन, ये पंजाबी अखबारों में तेरे मैच के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, और जो थोड़ा बहुत लिखा है वो किसी फ्लिकर सिंह के बारे में लिखा है। तू तो कह रहा था कि सारे गोल तूने मारे हैं। और तो मैं ही हूं फ्लिकर सिंह। हां देखो, मीडिया ने नया नाम दिया है मुझे, फ्लिकर सिंह स्कोर मैक्सिमम। सर, आप फर्स्ट इंटरनेशनल सीरीज के टॉप गोल स्कोरर बने, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसका फादर हूँ और ये मेरा पुत्र है। ये देखो जी, अखबार में इसका फोटो है, कितना अच्छा लग रहा है ये। देखो जी, हम शाहबाद में रहते हैं और कैमरा, हाँ शाहबाद में रहते हैं और बचपन से है ना ये हॉकी खेलता था, और आज देखो इसने शाहबाद का नाम चमका दिया जी। अच्छा, ये प्रोग्राम कितने बजे आएगा, कौन से चैनल पे आएगा जी? थैंक यू मीडिया, मीडिया थैंक यू। खुश हो अब? बहुत खुश। और जितना मुगेम्बो खुश हुआ था ना, उससे भी ज्यादा। अच्छा ले पढ़, ये ना दो खबर मुझे भी सुनानी है तुझे। इंडियन एयरवेज, पढ़ तो सही। Dear Sandeep Singh, this is to inform you that you are now part of Indian Airways. तेरे सिलेक्शन के बाद ही है ना ये चिट्ठी आ गई थी घर, ये पर नौकरी मिल गई है। Thank you, Director Indian Airways. और ये मेरा इस्तीफा। चलो भाई चलो, शाबाश आ गया, शाबाश शाबाश शाबाश। वो येलो प्रिंटर्स की नौकरी के हाथ पीले करके है ना, मैंने हमेशा के लिए विदा कर दिया उसको। शाबाश शाबाश शाबाश। चलो भाई चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश आ गया, शाबाश आ गया। ओ चलो उठो, और रोकना जिधर, चल भाई बैठ जा, आ जा। आप निकलो, मैं आता हूँ। ओ पहले कर तो, चल मैं आता हूँ, चल। ओए फ्लिकर सिंह, नहीं घर का एड्रेस याद है ना? यस। ये बानी जो है इसके तो गोल ही नहीं होते। गोलकीपर है अम्मा। अरे नमस्ते बेटा, तुझे तो ग्राउंड पे कहीं भी खड़ा कर दो, तू तो हमेशा गोल कर देती है। प्रीत, अजीत ने कहा था कि हॉकी में कुछ हो जाए तो आ जाना। क्या ही? क्या करूं इसका? आपके लिए नहीं है। अच्छा, नौकरी आ जाए क्योंकि टीम में, कल टीम में नहीं रहेगा ना, तो ऐसे मेरे पास ही आएगा हॉकी खाने। 16 गोल मारे हैं कोच सर, इससे अच्छा ड्रैग फ्लिकर है नहीं अभी इंडियन टीम में, ड्रॉप होना मुश्किल है सर। ताला लगा जबान पे, ताला लगा। इंडिया खेली मेरे ट्रेनिंग में, भूलना नहीं इस बात को। मैं भी खेल गया ना इंडिया बिना आपकी ट्रेनिंग के, दूसरे भी खेल लेंगे, आप भी मत भूलना इस बात को। मैं कह रहा हूँ उसको इंडिया खिलाना है या ब्याह करा के घर पे बैठाना है। जी नहीं, शादी के बाद भी इंडिया खेलेगी प्रीत, आपकी सपोर्ट रहेगी तो। हॉकी दियो मेरी, हॉकी ला। रहने दे, पिछली बार आपका स्टूडेंट था और प्रीत को बचाने के लिए हॉकी खा गया, इस बार सिर्फ आपकी हॉकी नहीं चलेगी। उसके बाद समोसे लाना तो दूर, कोई पानी तक नहीं पूछेगा आपको।
वापस आओ, चलो वापस। कल सुबह मेरा ट्रायल है, मुझे जाना है। कुछ नहीं बोल। बोलूंगा तो रुक नहीं पाऊंगा, तू बोलना, कोई नहीं रुकेगा। सच पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे पास बोलने के लिए, बस एक बार वर्ल्ड कप खेल के आ जा। जान लगा दूंगा, बस तू मैच मत देखियो। नहीं देखूंगी, पोलैंड वाला टूर्नामेंट नहीं देखा था और तू हाई स्कोरर बना था। ये वर्ल्ड कप हो जाए एक बार, फिर फैमिली को लेकर शिमला चलेंगे छुट्टी के लिए। पिछली छुट्टी याद है? पिछली छुट्टी कब हुई थी? 3 साल का था तू, ले गए थे पापा जी दिल्ली, पैसे तो थे नहीं, एक ही कमरे में रुके थे सब। अरे यार कितनी देर करती, एक ही कमरे में पांचों, और क्या। तू तो बच गया, मम्मी पापा के साथ बिस्तर में, मुझे नीचे सोना पड़ा बेबे के साथ। इस बार शिमला में 3 कमरे लेंगे। चल ये रख। ओ, ओ, सॉरी, 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 सॉरी। चल कोई नहीं, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चल चल चल। क्या लाऊं तेरे लिए? गोल्ड, गोल्ड ले आ तू बस। संदीप जी आपकी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी, किसी को नंबर ही दे दो जी। सनी, ओ सनी ओए, ओ चल यार अपनी सीट चिकू ने वहां करा दी। और छोड़ दे यार, मैं सेटल हो गया हूँ यहाँ। अरे अभी मेरा मूड ना खराब कर, चल वहां बैठेंगे, आ जा। चलो ओके भाई। ओके जी, चल फिर। मेरे रेंड थे सब पता है यार, जब भी मैं टूर पे जाता हूँ ना तो इसी सीट पे बैठ के जाता हूँ। अच्छा, लकी है मेरे लिए। लकी तो तेरी गर्लफ्रेंड भी थी, भग गई ना, ऊपर से टिकट भी इसी ने ली थी। सनी तू इधर आ जा, इससे हिसाब कर ही लूंगा। ओ बैठा रहे काके, बैठा रहे, हमें बात बढ़ जानी है। बैठ जाओ ना, बढ़ जाने दे यार, तू इधर आ, इधर आ, चलो लड़ो। छोटे घर वाले ने कुछ नहीं पाया, अब सारे मेरे घर वाले आ रहे हैं। चमर प्रास के खाली डिब्बे, शाहबाद से ली आपने ट्रेन? हाँ जी, क्यों? फिर तो शादी भी शाहबाद में ही हुई होगी। भाई प्रॉब्लम क्या है तेरी? नहीं भाजी, मैं संदीप सिंह, इंडिया हॉकी प्लेयर। क्या करिए मेरा? मैं भी शाहबाद से हूँ जी। अच्छा हो, आजकल तो नुक्की कह रहे अखबार फ्लिकर सिंह जी। हां फ्लिकर सिंह, अखबार च देखी सी थोड़ी फोटो, बड़े क्यूट लग रहे सी। थैंक यू। नीतू उठ के इधर आ, उठ इधर। ओहो यार, कैसे बैठ जा तू भाई? हुन दसो, एक्चुअली मेरी शादी हो रही है ना जी, इसलिए पूछ रहा था। अच्छा ठीक है, तो सी आ छड़ो। हां जी, तो सी ना मेनू अपना ऑटोग्राफ दो यार। नीतू क्या कर रही? एक मिनट,
पेन आ रहा। आलो क्या नाम बताया आपने? नीतू। नीतू हाँ जी। डियर नीतू हाँ जी। ओ भाई बलवीर भी रखना नाल। हाँ जी, अब शादी हुई है तो नीतू के साथ बलवीर तो आएगा जी। अच्छा डियर डियर नीतू एंड बलवीर। छोटा ब्याह का थोड़ा मेरा बस चला तो जी, मैं आज ही करा दूँ। रेंज करा दो ब्याह। बस जल्दी करा रहा हूँ जी। हाँ जी हाँ जी। हैप्पी मैरिज लाइफ संदीप सिंह। पाजी सनी सनी क्या हुआ? सनी सनी क्या हुआ? सनी 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 पाजी क्या हुआ? सनी वीर जी मैंने जानबूझ के गोली नहीं चलाई। मुझे पता है तूने जानबूझ के नहीं चलाई। मुझे पता मैं जानबूझ के नहीं चलाई। जिगू ओ जिगू जिगू सनी पाजी सनी सनी उठ सनी उठ सनी सनी जिगू जिगू जाके ट्रेन रोक दो। मुझे पता नहीं चला वीर जी के चेंबर में गोली है। सनी सनी क्या हो गया तुझे? हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा तुझे। सनी सनी हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा तुझे। हिम्मत रख, हिम्मत रख। आ चिकू ट्रेन रोक, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हिम्मत रख, आगे बोल सनी, आगे बोल। नहीं खेलूंगा तो मुझे टीम से निकाल देंगे वो। अब नौकरी मेरे प्रीत को फोन भी कर दे। मेरे प्रीत को फोन कर दे एक बार। तो सब अच्छे हैं, कुछ भूल कर नहीं रहा। पता नहीं सनी कहाँ से बाहर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। कैसे नहीं आएगा, जरूर आएगा। आज की मार्केट के हिसाब से आपके इस घर का इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बाकी आप सोच लो, एक महीने पहले ही तो लिया था, इतना क्या बदल गया मार्केट एक महीने में? रहने दे बेटा, जो होता है वो जाने दे। पकड़, आ जाओ ऊपर। गुरचरण जी, पक्का दोबारा ये फील्ड जॉब करनी है? जोशी जी, ये 30 किलो का बोझा उठा के जब मैं मार्केट में चलता था ना, थकान नहीं होती थी।
हॉस्पिटल में बैठे बैठे थकान भी आती है। मैं ये चलने की आदत छोड़ना नहीं चाहता। आप चिंता ना करो, मैं कर लूंगा। संदीप कैसा है अब? नहीं, मैं तो ठीक हूँ। मैंने पूछा संदीप कैसा है। वैसा ही है, हालत में सुधार नहीं है उसके। पता नहीं रब ने ऐसा क्यों किया उसके साथ। टूर बीच में छोड़ के जा रही? फेडरेशन वाले तो सवाल उठाएंगे ही, लेकिन अगर आज गई ना तो मैंने तेरा करियर बर्बाद कर देना है। फेडरेशन को तो मैं जवाब दे दूंगी, और हाँ, सवाल मेरे करियर का, अगर इंडिया खेलने के काबिल हूं तो कोई रोक नहीं सकता मुझे, आप भी नहीं। डियर संदीप, आई दिल में तीर यू, मतलब आई लव यू जी। थैंक यू पुत्र, गेट वेल सून प्रीति। हाँ साले, लड़कियों में कब से फेमस तू उतना हो गया है? अब तो बहुत फैंस हो गए हैं संदीप के। आपकी वजह से हॉकी खेलनी शुरू की है, और एक दिन आप जैसा ड्रैग फ्लिकर बनना है। बच्चे भी लिखने लगे हैं, है? ये देख, फोटो भी भेजा है, हॉकी तो बॉल। वो चिट्ठियां पढ़ते पढ़ते शाम हो जाएगी पापा जी, पहले से कुछ खा लें तो। टीवी बंद क्यों नहीं हो रहा? खबर सुन के हॉकी फैंस चैन की सांस ले पाएंगे। इसका मतलब है कि हम संदीप सिंह को जल्द ही हॉकी फील्ड पे देखेंगे, राइट? शालिनी, हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि कोमा से तो बाहर आ गए हैं संदीप, लेकिन हॉकी फैंस के लिए खबर बहुत बुरी है। डॉक्टरों से बात करके हमें ये पता चला है कि संदीप कमर के नीचे से पैरालाइज हो गए हैं। ओह सीरियसली? इंडियन हॉकी फैंस में मायूसी की लहर दौड़ गई है ये बात सुन के कि संदीप सिंह, जो कि इंडियन टीम के स्टार ड्रैग फ्लिकर हैं, वो दोबारा हॉकी फील्ड पर कदम नहीं रख पाएंगे। और इसी के साथ शालिनी, एक सवाल है जो बार बार हमारे सामने उठ रहा है, वो ये कि अगर संदीप को मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम से मिल जाता तो क्या उन्हें पैरालाइज होने से हम बचा सकते थे? एक सवाल उठता है इंडियन मेडिकल सिस्टम पर कि अगर गोली लगने के 6 घंटे बाद तक एक इंडियन हॉकी प्लेयर को मेडिकल ट्रीटमेंट तो छोड़िए एक एम्बुलेंस तक नहीं मिलती है, तो एक आम आदमी क्या उम्मीद कर सकता है? लाइव अपडेट्स लेकर हम आपके साथ बने रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए अफसोस के साथ हमें यही कहना पड़ रहा है कि संदीप सिंह, जो कि इंडियन हॉकी टीम के स्टार प्लेयर हैं, वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ये थे हमारे संवाददाता। मीडिया वाले कुछ भी कहते हैं। चंडीगढ़ से तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए आपका अपना, आपका प्यारा वाइब। तुझे हर जगह बताने वाला था यार, सब बाहर जाओ।
वीरे विक्रम वीरे विक्रम वीरे विक्रम सनी क्या हुआ सनी क्या हुआ कब से चिल्ला रहा हूं यार मैं वो दवाइयां लेने गया था यार तूने नर्स को क्यों नहीं बुलाया तुझे पता है मुझे शर्म आती है पापा जी को भी नहीं आने देता मैं तू फिर भी मुझे अकेला छोड़ के चला गया मेरी गलती अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ के जाऊंगा बस अब चल आगे हो जा आगे हो जा थोड़ा सा ये हाथ ले आराम से शाबाश थोड़ा मेरा शेर भाई है तू क्या हुआ कुछ भी तो नहीं हुआ है बस आराम से स्विट्जरलैंड तो नहीं होगा अब शिमला कर लेंगे तेरे साथ तो शिमला भी स्विट्जरलैंड ही लगता है डॉक्टर्स कह रहे हैं अभी भी चांसेस है टूट सकता है बहुत कम हॉकी तो बिल्कुल नहीं पर कोई बात नहीं तेरे लिए तो खेली थी हॉकी व्हीलचेयर तो व्हीलचेयर से तो है ना बस क्या बात कर रहा है तू स्पोर्ट्समैन कैसे खुश रहेगा व्हीलचेयर पे मुझे लगा मैं एक इंडिया प्लेयर से मिलने जा रही हूँ जो शायद टूट गया होगा ये बात जान के कि वो कभी हॉकी नहीं खेल पाएगा लेकिन मैं तो एक लड़के से मिली जो सब कुछ भूल गया था और खुश था कि उसकी प्रीत उसके साथ खड़ी है चल पक्का जाना है हाँ माँ पक्का जाना है उसकी व्हीलचेयर को जिंदगी भर थका देने में कोई तकलीफ नहीं है खुशी खुशी कर लूंगी अगर उस व्हीलचेयर पे संदीप हो तो उससे ज्यादा खुशी होगी उसको अपने पैरों पे खड़ा देख के चाहे वो मेरे बगैर क्यों ना हो
मुझे इतना यकीन है कि तेरे ना होने से वो उठ जाएगा। नहीं, पर इस बात पे पूरा यकीन है कि अगर मैं वहां हुई तो वो नहीं उठेगा। आपको तो पता है ना माँ, उसने आज तक जो भी किया है मेरे लिए किया है, चाहे वो हॉकी हो, नौकरी हो या कोच साहब की मार। लेकिन आज अगर मैं उसे मिल गई तो उठने की कोशिश भी नहीं करेगा। फाइन कॉल मेरे, कितने दिनों से पूछ रहा हूं प्रीत कहाँ है, एक बार मिलने आई और फिर गायब, पता नहीं किया तुमने। कैसे लगा था पता, रात भर तेरे साथ हूं यहां और दिन में नौकरी। कुछ हुआ तो नहीं उसे? वो घर चल रहे हैं ना अब, एक बारी तू सेटल हो जा, मैं सब पता कर लूंगा। ओके सिद्धार्थ जी, ओके, शाबाश शेर बच्चा, चल। आ जा, शाबाश। आ गया मेरा बप्पर शेर पुत्र। धन्यवाद जी, वेलकम है जी, वेलकम। वाहेगुरु तेरा लख लख शुक्र। चल मां अंदर जाके रो ली। आजा मेरा शेर पुत्र, चल फोन उठा ले प्रीत, तूने अस्पताल नहीं आना था कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं, पर यार ऐसे छोड़ देगी तू मुझे? हाँ, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं कहाँ गलत हूं इसमें? यार तेरी आवाज सुननी है मुझे, प्लीज। मैं फोन करता रहूंगा प्रीत, रुकूंगा नहीं जब तक तू फोन नहीं उठाती, तब तक बात नहीं करेगी मुझसे, जब तक तू हंसेगी नहीं मेरे गाने पे प्रीत। मैं करता रहूंगा फोन जब तक तू वापस नहीं आ जाती प्रीत। भीख मांगू तेरे सामने, यही चाहिए तुझे? एक बात समझ ले प्रीत, जब रब भी दुआ पूरी नहीं ना करता तो लोग उसके सामने झुकना बंद कर देते, जो शर्म आती है मुझे। मेरे सबसे बुरे वक्त में मैंने तुम्हें वो सब कुछ बोल दिया जो मैं अपने आप से भी बोलने से डरता था, जो घिन आ रही है मुझे। मेरे सामने ना, मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना, मैं बता रहा हूं तुम्हें,
Sunny! क्या कर रहा है वो? चाहता क्या है तू? कितनी बार बोला मैंने तुझे कि जा पता कर प्रीत कहाँ है, बस अपने कामों में लगा हुआ है तू। क्या अपने कामों में? तेरी टपियां साफ करना अपना काम है? जताना ही था तो किया क्यों? ओ जताना होता ना तो बहुत कुछ जता सकता था, और जो भी यहां है ना सब जता सकते थे। तो हाथ जोड़ के थैंक यू बोल देता हूं सबके लिए। और तेरे थैंक यू के लिए ना किसी ने कुछ नहीं किया समझा? साले दो दो नौकरियां कर रहा हूं ताकि ये घर चल सके। पापा जी ना इन्होंने वापस से ले ली अपनी फील्ड जॉब। एक सेकंड, ट्रेन के नीचे मरते मरते आए बच्चे हैं। तुझे कुछ अंदाजा भी है कि हम पुराने घर वापस आए? जी हाँ, मां ने बिकवा दिया है वो घर ताकि तुझे ठीक कर सके। सरदार जी नजर उठा के देखो इस घर को। हाथ जोड़ने की बात करता है साले। इतनी तकलीफ हो रही है तो मत करो ना यार, छोड़ दो मुझे। आप ओए एक मिनट, हाँ छोड़ता नहीं। अब विक्रम ले चलता हूँ उसके घर के बाहर। तू अस्पताल आई और तुझे ऐसी हालत में देखे भाग गई। अबे घर बंद है उसका, रुक जाओ। देखता हूं कैसे बचता है वो। मेरे पुत्र पे गोली चलाई है उसने। पुत्र तुम टेंशन मत ले, सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा वो। पूरा दम लगा दूंगा लेकिन उसे छोड़ूंगा नहीं। दम लगाना ही है ताऊ जी, तो मुझे मेरे पैरों पे खड़ा करने में लगा दो। आपका रेजिग्नेशन लेटर है, डेट नहीं डाली अभी। विक्रम की एक नौकरी मैं करना चाहता हूं, आपके रेजिग्नेशन लेटर पे डेट डालना चाहता हूं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूं। मैंने चेयरमैन साहब और हैरी सर से बात कर ली है। बड़ा हो गया मेरा छोटा बेटा। शाबाश पुत्र, शाबाश। देख मशहूर हो कैप्टन साढ़े इतिहास जी, आज आखिरी दिन है आपका, कल से शर्मा आपकी कुर्सी पर होगा।
और ऊपर से 35 लाख की कॉस्ट है हॉलैंड में रिहैबिलिटेशन की। ये हॉकी है चेयरमैन साहब, क्रिकेट नहीं। प्लेयर तो प्लेयर ही होता है सर, चाहे वो क्रिकेट का हो या हॉकी का हो, चांस तो लेना ही पड़ेगा। आप तो अपना चांस लेकर रिटायर कर जाएंगे और कल जवाब हमें देने पड़ेंगे। सर पेंशन तो दे ही रहे ना उसे, और व्हील चेयर पर लाखों लोग नौकरी करते हैं। लाखों लोग इंडिया नहीं खेलते शर्मा, सर देश में गली गली में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ये सोचकर कि अगर इंडिया खेल गए तो जिंदगी सेट हो जाएगी। माना हम क्रिकेट बोर्ड नहीं है, अगर हमें अपनी हॉकी को उसी मुकाम पर ले जाना है जहां वो थी, अपने प्लेयर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी इज्जत करनी होगी। ठीक है, आप दोनों थोड़ी देर बाहर रुकिए। जी सर। ओके सर। क्यों इतना पर्सनली ले रहे हैं चेयरमैन साहब? आप अब रिटायर करें आराम से और ये सब हम पर छोड़ दें। क्या एक हैंडीकैप प्लेयर पर इतना खर्चा करवा रहे हैं, और वो भी मेरे बजट से? साले इतना तोड़ूंगा ना तुझे, कोई बजट जोड़ नहीं पाएगा। सर मंत्री जी ने दी। एहसान नहीं, ड्यूटी है मेरी। ऑल द बेस्ट। हॉस्पिटल दा भी कोई नहीं बाजी। डर लग रहा है कोच साहब, सब इतना कर रहे हैं और अगर मैं खड़ा नहीं हो पाया तो? साले तारीफ सुनना चाहता है अपनी। इतने सालों में बहुत प्लेयर देखे हैं मैंने, अच्छा खेलता है तू। ये मेरी इंडिया जर्सी है, जल्दी वापस चाहिए। विल मिस यू। प्राजी, वो हॉलैंड की फ्लाइट 8 बजे लैंड करने वाली है और ये पागल हमें 6 बजे लेके आ गए यहाँ पर। तो चुप कर छोटे, सन्नी को मिलने के लिए उतावला हो रहा है। क्यों विक्रम? वो यार उतावला हो रहा है तो 6 बजे क्यों, 4 बजे आना चाहिए था फिर। अरे ये बैंड वाले आए नहीं अभी तक। मैंने तो मना किया था एडवांस देने के लिए, लेकिन मेरी सुनता कौन है? आपने बुलाया है कि नहीं? भाई बुलाया था, फोन करके बुलाया था मैंने तो उसको। लेकिन आए क्यों नहीं वो? जो तन है वो ही वतन है, जिंदा इसी के सहारे सहारे। रुकना ना किनारे, तैरते ही रहना बहते ही रहना, धारा चले मझधारे मझधारे।
साफ करना अपना काम है। जताना था तो किया क्यों? ओ जताना होता ना तो बहुत कुछ जता सकता था। तो हाथ जोड़ के थैंक यू बोल देता हूं सबके लिए। संदीप बैठ इधर बैठ। बड़ा भाई हूं तेरा, मुझे भी पता तू यहां क्यों आया। हेल्प चाहिए ना? पैर पकड़ के माफी मांग माफी। इंडिया खेल रहे हैं भाई, हेल्प कर दे यार। इंडिया इंडिया के लिए खेलना है या फिर उस लड़की के चक्कर? मैं भी छोटा नहीं हूं भाई, पहली बार पैरों पे खड़ा हुआ था प्रीत के लिए। रिहैब गया आप लोगों के लिए, अब इंडिया खेलना है, इंडिया के लिए। अगे हो इंडियन एयरवेज का टूर्नामेंट है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? मैच मेरी टीम से। तो मेरे सामने वीक तो नहीं खेलेगा? साले 6 महीने लग गए तुझे माफी मांगने में। ट्रेनिंग में ना तुझे तोड़ दूंगा, लेकिन बदला फील करूंगा। ठीक है, चलिए। हंस दे। शाबाश, बॉल छोड़, बॉल छोड़। चल पुश कर रहे। शाबाश, तो गोली को बुला दे। ये योगिंदर इधर आ। शाबाश, सीधा सीधा सीधा। कॉर्नर संदीप। की जर्सी संभाल के रखिए सर, बस पहनने की देर है। शॉट कॉर्नर। ट्रैक फ्लिक के लिए तैयार है। पार्टनर सेम पावर। तुम्हें 1 साल हुआ नहीं चेयरमैन बने हुए और मुझे वापस बुला लिया गया। ये सब क्या है सर? ये वो आपने कहा था ना कि हमारी टीम की गलतियों की एक फाइल बनाएं, तो गोल नहीं हुए सबसे बड़ी गलती यही है। सर संदीप वापस आ गया। हम कंसिडर करते हैं ना उसे सर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के लिए। उसे जरूर कंसिडर किया जाएगा, पर तुम्हें नहीं। हैरी। यस सर।
तुम टीम बनाओगे। थैंक यू सर। जय हिंद। धज्जी धज्जी। ओके। सुना ताऊ जी का प्लान? अपने हॉकी फील्ड पे ना ये बड़ी स्क्रीन लगा रहे हैं, पूरे मोहल्ले को इनविटेशन भेज रहे हैं, और तो और ढोल डीजे सब। तीन टिकटें मिलेंगी? नहीं, वो सारी तेरी हैं, तू ही रख ले, देनी किसे है? आपको बिना बताए नहीं बुलाना चाहता था। ओए काके, बहुत देखा है यहां तक पहुंचने में। जरा ध्यान से, अगले हफ्ते तेरा मैच है। बहुत खुश थी ये सुन के कि संदीप ठीक ही नहीं हो गया था, चलने लगा था, भागने लगा था, हॉकी भी खेलने लगा था। लेकिन इंटरनेशनल हॉकी किसी भी प्लेयर को दूसरा मौका नहीं देती। संदीप ने छीन लिया था ये मौका, और इस मौके का नतीजा उसके अगले मैच में पता चलने वाला था, और वो मैच मेरे नए शहर लंदन में था। ऐसी लग रही है। कैसे? जैसे आखिरी बार मिली थी। खुश हूं तू, ऐसा नहीं लग रहा। कुछ पूछना था तुझसे। हॉकी कैसी चल रही है तेरी? मुझे लगा कुछ और पूछेगा। तेरे लिए तो खेलनी शुरू की थी हॉकी, कोई गोल बोल तो था नहीं मेरा, बस तू ही थी। फिर तो अचानक से चली गई। सच कहूं तो बहुत गालियां दी थी तुझे यार, पर तू नहीं जाती तो कभी नहीं उठ पाता मैं। थैंक यू कहने के लिए बुलाया था तुझे। तू कल मैच देखने आ रही है ना? शायद यही सुनना था मुझे। मैं इंतजार करूंगा। इस बार तनवीर अपनी हार बेंच से नहीं देखेगा, फील्ड पे देखेगा। तनवीर संदीप को तोड़ दे। 12 गोल खा लेंगे कोच साहब, पर 13वां अपना होगा। 13वीं मरने के बाद होती है, और आज मैं मारने के मूड में हूं। जा बेटा, टोक दे। संदीप सिंह की इतनी बड़ी इंजरी के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बतौर एक कप्तान वापसी, कहीं ये सिलेक्शन कमेटी की दूसरी गलती साबित ना हो। लो जी आ गया शाबाद द किंग संदीप सिंह। और इसी के साथ फर्स्ट हाफ शुरू, और पाकिस्तान का प्रदर्शन और यूसुफ का पास सीधा तनवीर की ओर, और सीधा कमर पर अटैक। और तनवीर का ईस्ट वेस्ट ड्रिबल, तनवीर आगे बढ़े और पावरफुल स्ट्राइक, पाकिस्तान का पहला गोल, और वो भी गेम के पहले ही 10 मिनटों में। टेम्पो हाई रखो, अभी तो एक ही गोल हुआ है। यहां से संदीप और टीम को कोई नई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। और क्या चालाकी से एक सीधे पास को शॉर्ट कॉर्नर में तब्दील किया। संदीप के चेहरे पे एक डिटर्मिनेशन दिखता हुआ। बेहतरीन गोल, बैक विद द वेंजेंस।
एक सच्चे सूरमा की पहचान, इंडिया एक पाकिस्तान दो। और पाकिस्तान के लिए फिर एक शॉट कॉर्नर का मौका। हवा में गर्माहट, तनवीर आलम इशारों में चैलेंज करते हुए कि वो राइट कॉर्नर में ही गोल करेंगे। पावरफुल स्ट्राइक, तनवीर आलम अपनी बात पर खड़े उतरते हुए और भारत की मुश्किलें बढ़ाते हुए। कड़वा है मगर सच ही कहा है चेयरमैन साहब। प्रीतो जाना नहीं मैच के लिए? आज इस फाइनल में पाकिस्तान का अटैक अपनी पीक पर। और संदीप सिंह अटैकिंग हॉकी खेलते हुए, और ये संदीप का पास, और ये रघुवीर का गोल। इंडिया इज बैक इन द गेम। शुरू आ गया मेरा बब्बर शेर बच्चा, बोलो की लाइन लगा देगा, देखना तो बचेगा। मारूंगा साले वहीं आके। और देखते हैं क्या संदीप सिंह इस शॉट कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं। और संदीप सिंह का बेहतरीन गले की डॉज, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मीठा गोल। गेम खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी और ऐसे मौके पर संदीप का ये गोल करना लाजवाब, क्या कहने। दोनों ही टीम बराबरी पर, थ्री ऑल। ईगो को साइड में रखकर तालियां मारो शर्मा, लड़का इंडिया खेल रहा है। और यहाँ पर गोलकीपर को डॉच करके गोल लगा दिया और संदीप का बेहतरीन स्लाइडिंग डिफेंस। संदीप सिंह की दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर, उन्होंने मिडफील्डर को छोड़कर सीधा सेंटर फॉरवर्ड को चुना और जीता भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट शॉट कॉर्नर। तू कल मैच देखने आ रही है ना, मैं इंतजार करूंगा। और संदीप सिंह के लिए ये उत्तम मौका अपने आप को एज ए प्लेयर, एज ए ड्राइव फ्लिकर और एज ए लीडर प्रूफ करने का। गोल चाहिए संदीप एस बॉल पे। तू मैच मत देखियो। नहीं देखूंगी। और ओहो हो, स्लिप हो गए और टारगेट मिस कर दिया। और इतने इंपॉर्टेंट मौके पर अपना बॉडी बैलेंस खोना, अपना फोकस खोना क्या साबित होगा, पता चलेगा कुछ ही क्षणों में। एक तरफ इंडियन टीम सेलिब्रेट कर रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम ने रिव्यू की अपील की। भारत पाकिस्तान दोनों ही देशों के अवामों की धड़कन रुक चुकी होगी। और मुझे लगता है कि संदीप सिंह मिस कर गए टारगेट। ऐसे लगा जैसे किसी ने गोली चला दी। लेट्स सी इट फ्रॉम अनदर एंगल। वाओ, नेट को चीरता हुआ बिल्कुल, और भारत की ऐतिहासिक जीत। और इस गोल से संदीप सिंह ने एक रिकॉर्ड कायम किया है, फास्टेस्ट ट्रैक फ्लिक इन द हिस्ट्री। श्री संदीप सिंह भारत के उत्कृष्ट हॉकी खिलाड़ियों में से एक हैं। भारतीय टीम के सदस्य के रूप में आपने सुल्तान अजलान शाह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट 2009 में स्वर्ण पदक, 4 राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट 2008 में स्वर्ण पदक जीते। आप एशिया कप 2009 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे।
आप अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। हॉकी के क्षेत्र में श्री संदीप सिंह की उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए उन्हें वर्ष 2010 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री संदीप सिंह।